सेलिब्रेट करने के लिए इतनी सारी चीजें आ रही हैं, सो डबल सेलिब्रेशन में शो फैंस मीटअप हो रहा है। एल्विश कुछ कहना चाहते हैं क्या हो रहा है? फैंस मीटअप, फैंस मीटअप तो उनका सिस्टम महंगी कर देता है। मुझे लगता है जितना मीटअप हमने फिनाले पे देखा था, इतना क्राउड इकट्ठा हुआ था, दो दिन पहले उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा इंस्टा लाइव पे। हम लोगों ने देखा नहीं था, हम लोग मिले नहीं थे एल्विश से, और बेस्ट पार्ट था जब यू नो एल्विश स्टेज पे थे एंड ओ माय गॉड लुक हूज हियर, व्हाट्स अप, हेलो। तो जैसे एल्विश स्टेज पे थे, मैंने पलक को देखा, पलक ने मुझे देखा, मैंने पलक को बोला ये तो बहुत हैंडसम है, हैंडसम है। मैंने मेरे को ये लग रहा था जब मैंने इन लोग का मीटअप देखा ऑडियंस फिनाले में, आकांक्षा वाज सिटिंग लेफ्ट मी, मैंने बोला लिसन अगर हम यहाँ टॉप थ्री में खड़े होते और यहाँ पे इनका ऐसा मीटअप हो रहा है, वेयर वुड वी बी इवन स्टैंडिंग क्लोज टू दैट। अच्छा ब्रो टॉप थ्री में हम तीन शूट हो गया है, प्रमोशन भी हो गया है, बस सावन खत्म होने के बाद वहाँ रिलीज करते हैं, वहाँ सावन में रिलीज नहीं करते हैं, तो बस उसी का वेट कर रहे हैं, बस अब रिलीज है। और बहुत ही प्यारा मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तुझे ना देखूं तो चैन, जो एक पुराना सॉन्ग है, किसके लिए गाओगी तुम ये? आप पता नहीं, बस लाइफ में तो गाने के लिए, तुझे ना देखूं तो चैन, फिलहाल तो पवन जी के लिए गाया है एंड उन्हें ही रोमांस किया है, सो बहुत जल्दी रिलीज है, सो मैं एक्साइटेड। अच्छा आकांक्षा जी, दोस्ती में कुछ नजदीकी आ रही है जिसकी वजह से कोई आवाज उठा रहा है कि नहीं नहीं मेरे लिए कोई आवाज मत उठाइए, मेरे नाम से अपने आप को मत बेचिए प्लीज, आप अपने ऊपर फोकस करिए, मेरे लिए दोस्ती सिर्फ दोस्ती है, अभी लाइफ में सिर्फ मेरे पास दोस्त है, मैं किसी को डेट नहीं कर रही, इस लाइक कोई मिलेगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पलक को दी है। ये मैं जानती हूँ, वहाँ पे दोस्ती से ज्यादा कुछ था नहीं, एंड जेन्युइनली जब मैंने भी वो वीडियो देखा ना, स्पोक टू आकांक्षा ऑन इट, आई वाज लाइक यार ये क्या है, मतलब यहाँ तो बंदी का नाम भी नहीं पता, दोनों को अभी तक नहीं पता, पलक की पार्टी में जरूर देखा था कि वो आए थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, एंड जान ने मुझे बोला था कि मेरी एक फ्रेंड है जिनको मैं ला रहा हूँ एज अ प्लस वन, मैनेजर बोला था कि वो मेरी मैनेजर है, ऑनेस्टली मुझे कॉल करके वो बोला था दैट मैनेजर एंड वो थीम फॉलो करेंगे, कैन आई गेट हर, आई सेड यार क्या ले रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड, बट यार तो अलग ही एंगल मुझे दिखा अगले दिन यार, एंड आई वाज लाइक ओके मैं हम लोग भी सरप्राइज, बट आई एम ग्लैड आकांक्षा दैट यू आर जस्ट फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी कि मैं सिर्फ फ्रेंड्स हूं लोगों के साथ, और फ्रेंड्स ही रहना चाहती हूं, आई एम वेरी हैप्पी, बट आई फील कपल्स को एक दूसरे पे फोकस करना चाहिए, किसी और का नाम लेके प्लीज अपने आप को मत बेचो गाइस, अपने आप पे फोकस करो एंड गॉड ब्लेस देम, हैव अ वंडरफुल लाइफ, यू गाइस लुक टुगेदर, माय बेस्ट विशेस आर विद यू। अच्छा गाइस, अभिषेक मलान को भी काफी ट्रोल किया जा रहा है, उसके फैमिली को भी ट्रोल किया जा रहा है कि वो लाइक जीते नहीं, तो कुछ ऐसे आपको लगता है अभिषेक को इस चीज का कोई फर्क भी पड़ता है? अभिषेक की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, उनके ब्रदर का उनको इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड बहुत ही प्यारी फैमिली है, मैं उनके मॉम से डैड से मिली हूँ, आई थिंक दे आर वेरी थिक और सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कोई प्यार जीता है, उन्होंने प्यार बहुत कमाया है, बहुत कमाया है, जीतना ना जीतना मुझे लगता है ट्रॉफी से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो उन्हें प्यार कमाया, आज भी लोग यही कह रहे हैं कि आई विश तुम ट्रॉफी जीत जाते, वही एक जो स्टेटमेंट है वो काफी है जीत के लिए, तो आई थिंक